दोस्तों आप लोग मस्त होंगे, खुश होंगे, खुशहाल महसूस करते होंगे। कल का वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। हम जैसा कि जानते हैं, आप लोग को चैप्टर हो रहा है वर्ग और वर्गमूल और घनमूल जो पढ़ाया जा रहा है, उसी का आगे लेकर हम आए हैं। टाइप 3 तक कल क्लियर किए थे, आज टाइप 4 क्लियर करेंगे बाबू। देखो टाइप 4 में क्या है, देखो बाबू टाइप 4 में है वर्गमूल पर भिन्नात्मक प्रश्न, बहुत पेपर में आते हैं। देखिए हमारा कहने का मतलब है कि मेहनत, जुनून, लगन के साथ अगर पढ़ाई करते हैं तो एक सफलता जरूर मिलेगी। सफलता की कुंजी पढ़ाई है। देखिए आप लोग को पता है परीक्षाओं ज़्यादा आने वाले हैं और तैयारी जम के करना है। देखिए जितना अच्छा मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं वर्गमूल पर भिन्नात्मक प्रश्न, वर्गमूल पर भिन्नात्मक प्रश्न। अब चलिए, अब देखिए रूट 0.576 × 1.69 = 0.144, ठीक। अब चलिए अब यहां देखेंगे, यहां हल करने से पहले देखिए ये पॉइंट को हटाएंगे, एक होगा 2 2 4, एक ये 4 0 हो गया, ये देखिए ये हटाएंगे एक, ये 2 है, एक ये 2 4। अब देखिए 576 जो है, 576 का वर्गमूल क्या होता भैया 24। आइए 10,000 का वर्गमूल क्या होगा 100 गुने, 169 का वर्गमूल क्या होगा 13, 100 का वर्गमूल क्या होगा 10, 144 किसका वर्गमूल है 12 का, ये 10,000 है तो का भैया। अब देखो हमको पहले पता है, नहीं पता है उसको पहला पद गुणे, नोट में लिख लीजिएगा, नोट में यहाँ लिख लीजिएगा पहला पद गुणे चौथा पद, पहला पद गुणे चौथा पद और दूसरा पद गुणे तीसरा पद, दूसरा पद गुणे तीसरा पद, ठीक है भैया। तो पहला पद क्या है भैया 24 × 13, देखिए 24 × 13 ऐसे कर सकते हैं। दूसरा पद क्या है 100 × 10। अब देखिए ये जो है चौथा पद है वो पहला पद के पास चला जाएगा, मतलब 100 ऊपर चला गया और 12 नीचे आ गया, ठीक है। 100 से 100 कट गया भैया, 12 × 24 हो गया, 13 × का होगा 26/10, 26/10 का मतलब होता है 2.6। कोई दिक्कत है बाबू? देख लो फिर से एक बार समझ लीजिए, अच्छे से समझिए। देखिए 576 है, ये पॉइंट हटाने का मतलब है कि जितने संख्या रहेगा उसके बाद 0 1 2 3 4 4 0 कर दिए, ये पॉइंट हटाए 1 1 2 2 संख्या है तो 2 0, ठीक। अब देखो 0 हटाए 1 1 2 3 4 संख्या है तो 4 0, ठीक है। 576 24 × 24 करेंगे तो 576 रूट का मतलब है कि उसका स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 होता है, 24 कर दिए, ये देखो 4 0 है तो 2 0 हो जाएगा, ये देखो 169 13 का वर्गमूल होता है तो 13 लिख दिए, 100 का वर्गमूल 10 दहा में 100 होता है तो 10 कर दिए, 144 12 का वर्गमूल 12 × 12 = 144 होता है तो 12 निकल गया, और ये 10,000 है तो 100 हो गया, कटा पिटा देंगे तो 2.6 आंसर आएगा, ठीक है बाबू समझते। चलिए देखिए अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। मेहनत, मेहनत रंग लाएगा बाबू, मेहनत रंग लाएगा, मेहनत करते रहिए, पढ़ाई में कोई समझौता नहीं। हम देखिए हम लोग कितना समय निकाल के आप लोग को बताया जा रहा है, √81। अब 324 किसका वर्गमूल है, आप लोग को पता होगा कि 324 18 का वर्गमूल है, 49 किसका वर्गमूल है 77 49। अब 676 हम लोग को पता होना चाहिए कि 26 का स्क्वायर क्या होता भैया, देखिए 26 का स्क्वायर दो तरीका से स्क्वायर निकालने का तरीका में भी मैं बताया था, याद करने का भी तरीका बताया था। देखो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 6 × 12 × 12 = 24 हो गया, 24 हो गया। अब देखो ये क्या हो गया 6 6 36, देखो भैया 4 2 क्या हो जाएगा 6, 4 3 7 676 किसका वर्गमूल है 26 का, 26 का स्क्वायर अगर नहीं वैसे करना आता है तो ऐसे गुणा कर लीजिए, 6 6 36, 6 × 12 = 156, 26 × 52, देखो 676 किसका वर्गमूल है भैया 26 का, ठीक है क्लियर ना। हम ये बता देंगे एक क्लास में पूरा स्क्वायर वर्ग गुणा करने का ट्रिक बता देंगे, जो वैदिक गणित है, वैदिक गणित जो है ना, वैदिक गणित का जनक कौन है, भारतेना है जी, त
तो वैदिक गणित भी बता देंगे गुणा भाग करने का एकदम सरल तरीका वैदिक गणित से, ठीक है। तो 26 169 किसका है भैया? 13 13, 126 तो रहने दो, 81 किसका है? 9 का है। तो 13 2 26, 9 2 18, 7 के पहाड़ा में 126 कटेगा क्या? कटेगा भैया, 7 1 7 7 8 56 18। तो देखिए क्या हो गया, 2 2 4 और 4 18 74। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, कोई दिक्कत हो तुरंत बताइए, अगर कोई भी दिक्कत समस्या होती है तुरंत बताइए, ठीक है। इसको लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए इसको। हाँ तो हाँ, ऐसा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप लोग को घर से करने के लिए दे देता हूँ। हाँ जी देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया 2.25 गुणे, अब देखिए यही घुमाने का क्वेश्चन का तरीका, अब दे देगा 2 पॉइंट, अब देखो घुमाएगा तो घुमाने में तो थोड़ा सा समय लगेगा 289, अब बटा में दोनों का बटा में दे देगा 2.55 दे दे, चाहे 2.55 दे दिया, ठीक। हाँ इसको हल कर लीजिए, होमवर्क दे दें कि बना दें, एक लड़के का असर बनाइए दीजिए। तो चलो भैया बना देते हैं, देखिए इसका क्या हो गया भैया 100, इसका क्या हो गया 100, इसका क्या हो गया 100। अब देखिए अगर तरीका से चलेंगे तो इसी में तरीका बना देंगे, और नहीं तरीका से चलेंगे कोई बात नहीं है। हाँ एक बात और, जो ये रूट है ना, देखिए समझते चलिएगा, ये रूट के ऊपर है 2.55, पहले समझ लीजिएगा। अब देखिए ये हटेगा तो 225 किसका है? 15 का है, और 100 का वर्गमूल क्या होता है? 10 होता है। आई देखो 289 17 का होता है, 10 हो गया, अब बटा में 2.55, इसका पॉइंट हट गया क्या बच्चा 100। अब देखिए भैया यहाँ समझते चलिए, 15 × 17, अब चौथा पद ऊपर चला जाएगा, और दूसरा पद 10 × 10 अगुने ये 255, कोई दिक्कत है क्या? देखो 10 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 15 × 17 चाहे इसे कटा लीजिए, 15 के पहाड़ा में 15 है कम 15, 10 बचा 15 7 105, और 17 से 17 कट गया क्या बचा 1, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। आगे टाइप चले, चलिए आगे टाइप चलते हैं, टाइप नंबर पाँच, चलिए इसको मिटा देते हैं। हाँ जी मिटा दे रहे हैं, देख लीजिए अच्छे से। चलिए टाइप नंबर 5 देखेंगे। हाँ बाबू मेहनत मेहनत बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू किए हैं। देखो भैया हमारा कहने का मतलब है कि एक बार आप लोग का ये रिपीट हो जाएगा, परीक्षा जैसे नज़दीक आएगा फिर एक बार मैं पूरे विस्तार के साथ, ये विस्तार के साथ चल रहा है, मतलब कि हमारा कहने का मतलब है कि 3 महीना में पूरा मैथ कंप्लीट, फिर उसको रिवीजन, मतलब इतना मैथ में बार बार करा दूंगा कि आप लोगों का क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखो एक बार बेसिक से कंप्लीट करा देंगे, उसके बाद थोड़ा तेज आप लोग हो जाएंगे, फिर उससे बड़ा थोड़ा लेवल करा देंगे, फिर लेवल, मतलब इतना लेवल करा देंगे, इतना पढ़ते रहिएगा कि आप लोग का सलेक्शन एकदम करीब हो जाएगा, ठीक। चलिए टाइप नंबर 5, जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न, जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। चलिए एग्जाम्पल जैसे कुछ भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 57 32 में, अब देखिए 57 32 में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए, जोड़ी जाए योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। चलिए इसको लिख लीजिए जल्दी से। हाँ जी जल्दी करिए इसको। अब देखिए अब पूर्ण वर्ग बन जाए मतलब कि पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखिए इसमें क्या जोड़ा जाए, अगर देखिए बाबू नोट में लिखिए 37 32 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ा जाए, नोट में लिखिए। अगर जोड़ने को कहेगा तो वर्गमूल बढ़ा के करेंगे, वर्गमूल को
आगे बढ़ा के करेंगे, आगे बढ़ा के करेंगे, बढ़ा कर करेंगे, और घटाने को कहे तब पीछे के करेंगे, पीछे की ओर करेंगे। देखिए कंसेप्ट को समझते चलिए, हो गया बाबू। तो इसको मिटा देते हैं, इस पॉइंट को मिटा देते हैं, वर्गमूल को बढ़ा के तो अब जोड़ने को कह रहा है। तो देखिए इस 3732 का वर्गमूल निकाल लीजिए। देखिए वर्गमूल निकालने का तरीका जो होता है ये तो देखिए 8 8 64 ज़्यादा हो जाएगा, 7 7 49 होता है, 7 7 इधर भी 7, देखिए 49 कर देंगे, 49 में से घटा 8 बचा, ये 14 हो गया, ये 32 को उतार दिए। अब यहाँ देखिए 145 ले जाएंगे, 50 25 2 20 2 22 5 2 7, 725 कम हो रहा है तो ज़्यादा ले जाना है ना, तो 146 से ले चलिए, 6 6 के 36 3 24 3 27 2 6 2 8, 876 हो रहा है, 6 से ले जा रहे हैं तो थोड़े ज़्यादा हो रहा है ना, 5 से ले जा रहे हैं तो 725 हो रहा है, तो 6 से ले जा रहे हैं 876 होगा, ये 6 कर देंगे 876। तो अब बताइए इसमें कितना संख्या कम होता है, 876 आना चाहिए, 832 आ रहा है, तो कितना है, तो 876 में से 832 को घटा लेंगे, देखिए क्या हो गया 4, ये हो गया 4, 44 क्या हो गया भैया आंसर मेरा, 44 अगर जोड़ देते तो ये पूर्ण संख्या हो जाता, 44 अगर जोड़ देते तो वो पूर्ण संख्या हो जाता, इसमें 44 अगर जोड़ देंगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगा, मतलब कि 57 32 में अगर 44 जोड़ देते 6 7 7 5 तो ये क्या रहता है, ये पूर्ण संख्या है। ठीक है, कोई कंसेप्ट में दिक्कत, चलिए इसको लिख लीजिए, एक क्वेश्चन और करेंगे। चलिए हाँ मिटा दें इसको, चलिए हाँ इसको मिटा देना, चलिए देखिए वह छोटी से छोटी संख्या, देखिए वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, अब देखिए लिखा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 668 0 621 621 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाता है, एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है ना, अब जोड़ने वाला 2 क्वेश्चन करा देना है, घटाने वाला 2 क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है 68 0 621, अब देखिए इधर से जोड़ा लगाते चले जाएंगे, 8 8 64 4 हुआ, ये देखो 16, तो यहाँ क्या ले चलेंगे, 5 से ले चलेंगे, ज़्यादा हो जाएगा 2 से ले चलिए, 2 2 के 4 6 2 के 12 12 2 12 4 16 हाथ 1 362। अब ये 10 हो गया 4, अब देखिए ये कट गया 4, अब देखिए ये यहाँ 2 लिख देंगे, अब देखिए 06 उतारे थे, अब 21 उतार दीजिए, अब इसको ले चलिए, किससे ले चलेंगे, ज़्यादा हो जाए कम नहीं, तो ये 3 बार में ले चलिए, 2 बार में ले चलिएगा तो ज़्यादा नहीं होगा कम ही होगा, 3 बार में ले चलिए, 3 3 1 4 3 12 हाथ 1 18 1 19 हाथ 1 3 1 4, अब देखिए 3 बार में ले चलेंगे तो क्या हो जाएगा 49 29 49 29, अब देखिए 49 29 में से 44 21 को घटा लेंगे, ये देखिए क्या हो गया भैया 8 ये 0 ये 5 508, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए 508। अब देखिए एक चीज़ और है बाबू, यहाँ समझने का बात है, थोड़ा सा देखिए गड़बड़ाएगा, आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, ये देखिए ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, इसमें से गया ये 44 21 बचा है, तो 44 21 में
ये देखिए 164 3 से जब गुणा करेंगे तो तितिरी के 9 चरती है 12 हाथ 1 18 1 19 हाथ 1 3 1 4 49 29 आ रहा है, ठीक है। ये कितना आ रहा है 44 21, ठीक। दो बार में करेंगे, दो दुनी के 4, 4 दुनी के 8, 6 दुनी के 12 हाथ 1 300 3284, तो ये आ गया कितना 508। कोई दिक्कत है, लिख लीजिए। चलिए ये लिख लीजिए जल्दी से, चलिए इसको लिख लीजिए। ये दो अगर जोड़ते हैं दो तो 164, ये 44, देखिए यहाँ से 4 0 6, हाँ तो 823, ठीक है। अब चलिए आगे देखिए, अब देखिए, अब इसमें देखिए, इसमें क्या करेंगे, लिखिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 269 जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए कीजिए जो 269 में जोड़ देने में जोड़ देने में जोड़ देने में पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखिए 269 को उठाएंगे फटाक से, वही क्रिया, एक से एक हो गया, दो हो गया, एक से एक कट गया, एक बचा 169, 23 के पाड़ा में, 23 नहीं, ये हो गया 27 ले चलिए, 7 49 7 14 18, 26 से ले चलो 26, 6 6 के 36, 12 3 156, देखिए 179, 7 बार में ले चलेंगे 189 हो जाएगा, कितना बच गया 20, ये 20 कमी है, क्या है भैया 20 कमी है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब घटाने वाला कर दीजिए, घटाने वाला करिए जल्दी से, हाँ चलिए। चलिए वह न्यूनतम संख्या देखिए, अब घटाने वाला में भी एकदम वह न्यूनतम संख्या को 6100 न्यूनतम संख्या के 6155 में से घटाया जाए कि उत्तर संख्या से पूर्ण वर्ग हो, कि उत्तर संख्या से पूर्ण वर्ग हो। अब देखिए 6155, अब देखिए, अब यहाँ चलिए 8 8 64 होता है, 7 7 49 होगा, 7 यहाँ होगा, 49 यहाँ लिख दिए, 14 हुआ, अब देखिए ये 2 हो गया, अब 2 हो गया, अब देखिए ये 5 हुआ, ये 12 हो गया, अब यहाँ से अब देखिए 100 क्या करेंगे, 6 बार मिले चले, 7 बार मिले चले, 8 बार मिले चले, 6 बार मिले चलिए, देखिए 6 6 36 24 3 27 2 6 2 8 नहीं, 7 बार ले चलिए, 8 बार ले चलिए, 8 8 64 6 8 4 32 6 38 3 8 3 11, ठीक। अब 149 बार में ले चलिए, 99 81 9 4 36 8 8 44 4 9 4 13 1341, देखिए 1341 9 बार में गया, अब देखिए क्या हो जाएगा, 1341 में से 1255 को घटा दीजिए,
ये देखे बाबू 6 हुआ, ये 3, 13 में से गया 8 हुआ, ये 2 कट गया, 86 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है बाबू, तो कोई दिक्कत है नहीं, ये हो गया गलत, आप लोग का क्या हो गया गलत। अब हमको क्या करना है, ये घटाने वाला क्रिया है, हम जोड़ने वाला क्रिया कर दिए, तो हड़बड़ाना नहीं है, यहाँ 8 ही से ले चलना है। कितना से ले चलना है, 8 से ले चलना है, घटाने वाला क्रिया है ना। 148 8 है, 8 64 6 और 4 32 6 38 3 8 3 11 1184। अब देखिए यहाँ घटा दीजिए, देखिए ये 1 हो गया, अब देखिए यहाँ क्या हो गया, 15 हो गया, 7 हो गया, यहाँ कट गया, आंसर क्या आ गया भैया 71, क्योंकि घटाने वाला क्रिया है। तो घटाने वाला क्रिया में क्या करते हैं, कम करते हैं, कम करते हैं ना, घटाने वाला क्रिया में क्या करते हैं, कम करते हैं, वो जोड़ने वाला क्रिया कर दिए थे। ठीक है, तो बाबू धन्यवाद, आप लोग मस्त होंगे, खुशहाल रहिए, और आप लोग पढ़ाई मन लगा के कीजिए। ठीक है, तो आप लोग को यही बताया जा रहा है कि मेहनत कीजिए और परीक्षाओं में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करें और मेहनत करें, घर पर आप लोग का क्लियर हो गया टाइप, और कल जो है आगे बताया जाएगा। धन्यवाद।